वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर रहे और चीफ मिनिस्टर के बाद जब पीएम बने तब उनको जो मान लो कि एज ए चीफ मिनिस्टर के हिसाब से जो सैलरी मिलती थी सरकार के जो फाइनेंशियल हेल्प होती थी उसमें से मेरे हिसाब से एग्जैक्ट फिगर मेरे को मालूम नहीं है लेकिन 35 से 40 लाख रुपया उनके अकाउंट में जमा थे मोदी साहब के अकाउंट में। मोदी साहब वो अकाउंट में से एक भी पैसा दिल्ली लेके नहीं आए। उनके साथ 12 साल जब वो चीफ मिनिस्टर रहे तो सिक्योरिटी के ऑफिसर थे, कर्मचारी लोग थे, प्यून थे, उसके रसोई का काम करते थे, सफाई का काम करते थे, ये सबको उन्होंने बांट दिया। आज़ादी के 70 साल में किसी भी स्टेट में आप देख लो कोई भी पॉलिटिकल आदमी, मैं एक अकेले चीफ मिनिस्टर की बात नहीं करता हूँ, पीएम हो, एमपी हो, केंद्र का मिनिस्टर हो, स्टेट का मिनिस्टर हो, कॉरपोरेशन का कोई लीडर हो, किसी ने भी जब एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में जाते हैं तो उनके पास गवर्नमेंट के थ्रू जो एक